हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराध्या आरएएस एकेडमी एवं एनजीओ ग्रुप में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वो है राजस्थान में सूखा एवं अकाल के बारे में। अब देखो, राजस्थान में सूखा एवं अकाल क्यों पड़ता है, तो उसके लिए है अनियमित अपर्याप्त वर्षा, उसकी वजह से ही राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ता है। ठीक है, अब देखो सूखा क्या है, सूखा क्या है, तो सूखा क्या होता है कि वर्षा नहीं होती तब सूखा पड़ता है, यानी कि वर्षा का नहीं होना वर्षा का नहीं होना सूखा कहलाता है। ठीक है, अगर अपन अकाल की बात करें तो अकाल का मतलब क्या होता है कि सूखा। अब सूखा क्यों पड़ता है कि एक दो तीन साल के अंदर अगर बरसात नहीं होती तो सूखा पड़ता है, और सूखा के कारण ही क्या पड़ता है, अकाल। ठीक है, तो अब देखो अकाल जो शब्द है वो कहाँ से आया है। अकाल शब्द की अपन बात करें तो एक फेमिल शब्द है, अंग्रेजी का एक फेमिल शब्द, अंग्रेजी का एक फेमिल शब्द है। उस फेमिल शब्द का मतलब होता है भूख। उसी से ही जो अकाल शब्द बना है। ठीक है, अब देखो अकाल चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं अकाल के, एक तो होता है जल अकाल, यानी कि बरसात नहीं होती। ठीक है, एक होती है तृण यानी कि चारा अकाल, यानी कि जो पशु के लिए जो चारा नहीं होता तो वो होता है चारा अकाल। ठीक है, और एक होता है अन्न अकाल, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता। ठीक है, और चौथा अपना है त्रिकाल अकाल। क्या होता है, जब ये तीनों समस्याएं एक साथ आती है तो वो क्या कहलाता है, त्रिकाल अकाल। तो देखो, वीर विनोद पुस्तक है जो श्यामल दास ने लिखी थी, जो सर्वप्रथम उसी के अंदर अकाल के बारे में चर्चा किया गया था। मेवाड़ के अंदर अकाल पड़ा था, तो कवि जो श्यामल दास थे उन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर जो सर्वप्रथम अकाल का वर्णन किया था। और उसके बाद में जो अपने कर्नल जेम्स टोड ने अकाल के बारे में क्या कहा गया है कि ये है प्राकृतिक रोग। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने अकाल को क्या कहा गया है, प्राकृतिक रोग कहा है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है जो पूरे राजस्थान के अंदर, पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर जावे लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। यानी कि जो मारवाड़ के अंदर जो एक मरुस्थल रूपी जो राक्षस है, जो उसके जो पग है वो पुंगल जो बीकानेर तक फैले हुए हैं, और उसका धड़ है धर कोटड़े, यानी कि उसका जो धड़ है वो कहाँ तक फैला हुआ है, कोटड़े यानी मारवाड़ तक। ठीक है, कोटड़े का मतलब क्या होता है, मारवाड़ तक फैला हुआ है उसका धड़। बाहु बाड़मेर यानी कि जो उसकी भुजा है वो कहाँ तक फैली हुई है, बाड़मेर तक। जावे लाडे जोधपुर, अगर अपन उसको ढूंढने चले तो जोधपुर में भी मिलता है। ठीक है, जोधपुर तक भी फैला हुआ है अगर अपन उसको ढूंढने चले तो। ठावो जैसलमेर यानी जो उसका ठिकाना है, जो मैन स्थान है वो क्या है, जैसलमेर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और राजस्थान के अंदर जो अकाल है वो 3 साल में जो अर्ध अकाल पड़ता है और 8 साल के अंदर एक पूर्ण अकाल पड़ता है। तो ये हो गए अपने अकाल की डेफिनेशन। अब अपन बात करेंगे कि अकाल कौन कौन से प्रकार के कब कब पड़े थे। राजस्थान में जो प्रमुख अकाल कब कब पड़े थे उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पड़ा था उसको कहते हैं पंचकाल। पंचकाल जो है कब से कब तक पड़ा था, 1812 से लेके
1813 तक ईस्वी तक जो पंचकाल पढ़ा था, उसके बाद में जो सहसा मधुसा वो पढ़ा था 1942 और 1943 के अंदर सहसा मधुसा। ये जैसलमेर में क्या है कि जो अकाल पड़ता है, बरसात नहीं होती, तो वहाँ के लोग हैं, लोगों ने नाम रख दिया सहसा मूदसा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में नंबर तीन की बात करेंगे तो त्रिकाल। नंबर तीन कौन सा है? काल त्रिकाल। अब त्रिकाल का पड़ा था 1868 से लेके 1872 तक। इसके अंदर क्या हुआ था कि भोजन भोजन पानी व चारे की कमी, ठीक है, भोजन पानी व चारे की कमी हो गई थी। तो अकाल तीन चार प्रकार के थे, जो भोजन पानी और चारे तीनों की कमी होने के कारण इसको त्रिकाल कहा गया था। ठीक है, 1868 से लेके 1872 तक। अब देखो चौथे है अपना छपनिया अकाल। छपनिया अकाल कब से कब तक पड़ा था? 1899 से 1900 तक। उसी के अंदर भी यही तीनों काम हुए थे। ठीक है, ये तीनों काम सेम टू सेम हुए थे। ठीक है, और इसको छपनिया अकाल क्यों कहा गया? तो देखो उस समय जो विक्रम संवत थी, विक्रम संवत थी वो 1956 थी। विक्रम संवत 1956 थी, तो इसलिए इसको है ना छपनिया अकाल कहा गया था। ठीक है, इसके अंदर भी भोजन पानी और चारे की कमी हो गई थी। उसके बाद में देखो एक है चालीसा अकाल। चालीसा अकाल 1983 में पड़ा था। ठीक है, चालीसा अकाल 1983 में पड़ा था। उसके बाद में देखो जो एक सबके लास्ट में पड़ा था मैक्रोडाउट, वो अकाल है 2002 और 2003 के अंदर ये पड़ा था। जो इसको क्या कहते हैं, वृहद अकाल भी कहते हैं। मैक्रोडाउट 2002-2003 में पड़ा था। ठीक है, अब ये जो इसके कारण क्या क्या है, जो ये अकाल क्यों पड़ते हैं, तो उसमें देखो अनियमित तो वर्षा होती है, अनियमित अनियंत्रित और अपर्याप्त वर्षा, ये है जो इसके मुख्य कारण है। अकाल के कारण कौन कौन से हैं? अनियमित, अनियंत्रित और अपर्याप्त वर्षा, यही इसके मुख्य कारण है। तो ये हो गए अपने अकाल, छह प्रकार के अकाल अपने पढ़े थे। देखो राजस्थान में सूखा एवं अकाल के लिए जो सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं? राजस्थान में जो सूखा एवं अकाल के जो निवारण हेतु सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं? पहला कार्यक्रम है वो है सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम यानी कि DPAP, ये इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुआ था 1974-75 के अंदर यह कार्यक्रम चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सूखा संभाव्य जो क्षेत्र है, सूखा संभाव्य वो जिले, वो जो जो क्षेत्र है उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनका विकास करना, यानी कि जो सूखा से संबंधित जो जिले हैं उनका विकास करना। दूसरा है अपना पारिस्थितिक संतुलन, यानी कि पशु पक्षी और इनके मध्य जो पारिस्थितिक संतुलन बनाना, वो था पारिस्थितिक संतुलन बनाना। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे यह काम हुआ था? जो एक कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी के अनुशंसा पे या सिफारिश के अनुसार ही यह कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया था। तो वो कमेटी कौन सी थी? हनुमंत कमेटी। अब देखो जो कार्यक्रम है इसका कार्य क्या था? तो कार्य देखो मिट्टी एवं नमी का संरक्षण करना, मिट्टी एवं उसकी नमी का संरक्षण करना, जिससे वो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधार कर सके। ठीक है, और वृक्षारोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वृक्षारोपण किया जाता था, इसका कार्य था, ताकि जिससे वर्षा अधिक हो। ठीक है, और तीसरा था लघु सिंचाई विकास करना। ठीक है, सिंचाई के लिए लघु जो छोटे छोटे कार्यक्रम चलाना। ठीक है,
और पशुओं के लिए जो चारे पानी का प्रबंध करना, ये इस कमेट जो कार्यक्रम है इसका का ये कार्य था। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला जो सरकारी कार्यक्रम है। दूसरे की अपन बात करते हैं तो दूसरा मरु विकास कार्यक्रम, दूसरी योजना कौन सी है? मरु विकास कार्यक्रम, उसको क्या कहते हैं शॉर्ट में DDP। ठीक है, DDP कहते हैं मरु विकास कार्यक्रम को। ठीक है, प्रारंभ में कब हुआ था? 1977-78 के अंदर यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य वो ही पहली वाली जो कार्यक्रम था जो उसी का ही वो उद्देश्य था, वो ही इसका है, अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाना। यानी कि अर्थव्यवस्था जो सूखे जो जिले हैं, सूखा संभावित जो क्षेत्र है उनका अर्थव्यवस्था का समन्वय बनाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। सिफारिश की बात करें अपन तो सिफारिश है किसने की थी? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। राष्ट्रीय जो कृषि आयोग ने सिफारिश की थी 1976 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम की जो सिफारिश 1976 में की गई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा। और जो इसका कार्य क्या है, कार्य की बात करें तो अपन कृषि एवं वानिकी विकास करना, यानी कि जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम चलाना। ठीक है, लघु सिंचाई से संबंधित छोटे छोटे कार्यक्रम चलाना, पशुपालन एवं भेड़ पालन का विकास करना। मरुस्थल जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भेड़ अधिक पाई जाती है, तो पशुपालन एवं भेड़ पालन का विकास करना। और तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण करना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना। ठीक है, ये तो इसके कार्य हो गए। अब अपन व्यय की बात करें तो इसका जो व्यय है वो कितना कितना प्रतिशत कौन वहन करता है, तो व्यय देखो व्यय जिसका 75% तो केंद्र करता है केंद्र। ठीक है, और 25% राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। ठीक है, जो इसका व्यय है वो 75% तो केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राज्य सरकार। और यह कितने जिलों में चलाया गया था, तो प्रारंभ में ये 12 में, फिर बाद में 16 जिलों में चलाया गया है, 16 जिलों के 85 खंडों में, 16 जिलों के 85 खंडों में यह कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, यह हो गया अपने राजस्थान में सूखा एवं अकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे। आजकल क्या होता है कि परीक्षा में जो कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न बहुत कम आने लगे, आजकल ये अकाल इकोनॉमिक से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।